एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हिंदी टैरो टैक 222। मैं हूँ पल्लवी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो व्यूअर्स, इस रीडिंग में देख रही हूँ क्या है आपके पर्सन की लेट नाइट डीप एनर्जीज, डीप इमोशंस, जो इनके दिल में तो इस वक्त में काफ़ी ज़्यादा चल रहे हैं, लेकिन ये पर्सन उन्हें बाहर नहीं लेकर आ पा रहे हैं। चाहे रीज़न कोई भी क्यों ना हो, अगर वो रीज़न पता चलता है तो वो रीज़न भी यहाँ पर डेफिनेटली डिस्कस करा जाएगा। लेकिन उससे पहले व्यूअर्स, अगर आप मुझसे इस रीडिंग के माध्यम से पहली बार जुड़ रहे हैं और आपने अभी तक चैनल को न सब्सक्राइब कर रखा, न बेल आइकन को प्रेस करा, तो अब कर दीजिएगा, ताकि चैनल पर जब भी नई रीडिंग आए तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास जरूर से पहुंचे। बैक टू द रीडिंग व्यूअर्स, आपको ध्यान रखना है कि रीडिंग के दौरान आप मैक्सिमम फोकस अपना अपने पर्सन के ऊपर बनाए रखेंगे। हो सके तो उनका और अपना नाम आप मन ही मन में 3 से लेकर 5 बार जरूर से लेंगे, स्पेशली जब जब यहाँ पर कार्ड्स निकाले जाएं। व्यूअर्स, टाइमलेस रीडिंग है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, यानी कि जब भी आपके सामने ये रीडिंग आएगी आप बेझिझक होकर इसको देख सकेंगे। एंड उसके अलग व्यूअर्स, कलेक्टिव और एक जनरल रीडिंग है, तो हर बात में अपने आप को आपको ज़बरदस्ती फिट भी नहीं करना है। चलिए गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज, करंट स्टेट ऑफ माइंड बताइए। व्यूअर्स को लेकर, व्यूअर्स से जुड़े हुए कनेक्शन को लेकर मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज, करंट स्टेट ऑफ माइंड को बताइए। स्प्रेड गाइड, डिस्ट्रॉयर, ट्रिकर, गैम्बलर, अरे भाई मंक, नन, मुझे क्लैरिफाई करने के लिए कुछ कार्ड्स चाहिए। व्यूअर्स, गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन, प्लीज आर्कएंजल्स, प्लीज होली एंजल्स, प्लीज स्प्रेड गाइड, मुझे गाइड कीजिए, बताइए। डिस्ट्रॉयर की एनर्जीज को क्लैरिफाई कीजिए, बताइए। स्प्रेड गाइड, पॉलिटिक्स, ट्रिकर्स की एनर्जीज को क्लैरिफाई कीजिए, बताइए। स्प्रेड गाइड डिवाइन, मुझे गाइड कीजिए, बताइए किसकी एनर्जीज है ट्रिकर्स की। स्प्रेड गाइड, गाइड कीजिए। गैम्बलर की एनर्जीज को क्लैरिफाई कीजिए, बताइए। स्प्रेड गाइड डिवाइन, ये किसकी एनर्जीज है। स्प्रेड गाइड डिवाइन, मुझे गाइड कीजिए, बताइए। मॉन्क की एनर्जीज को क्लैरिफाई कीजिए और बताइए। स्प्रेड गाइड डिवाइन, मुझे गाइड कीजिए, बताइए मॉन्क की एनर्जीज को। क्रिएटर, ट्रांसफॉर्मेशन। देखिए व्यूअर, सबसे पहले मैं राशियाँ बता देती हूँ। यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा एनर्जी से स्ट्रॉन्ग में, हैवी में दिख रही है मुझे। सबसे पहले मैं राशियाँ बता देती हूँ, जैसे ये आपका जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, ये आपका वाटर एलिमेंट है, कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि, ये आपका हो गया एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि, और ये आपका स्कॉर्पियो। कुछ नंबर्स मुझे इंपॉर्टेंट दिखे वो हैं 7, 3, 6, एंड मंथ मुझे इंपॉर्टेंट दिखे जुलाई, मार्च एंड जून। तो ये आपसे, आपके पर्सन के माध्यम से जुड़े हुए हो सकते हैं। देखो व्यूअर्स, बेसिकली यहाँ पे ना हो सकता है रीडिंग कम लोगों से रिलेट करें, लेकिन आपको बहुत ध्यानपूर्वक सुनना है। यहाँ पे मुझे एक ऐसी एनर्जी दिख रही है कि आपका जो रिश्ता खराब हुआ है वो सिर्फ आप दोनों की वजह से नहीं हुआ है, या फिर जो भी आप दोनों के रिश्ते में प्रॉब्लम्स आई हैं उसके पीछे सिर्फ एक वजह नहीं है, बहुत सारी वजह है, बहुत सारे लोग हैं। तो ऐसी मुझे एनर्जीज दिख रही है, स्पेशली वो लोग हैं जो बहुत चलाक किस्म के हैं, जो मुँह पर डेफिनेटली मीठे हैं लेकिन अंदर से वो उतने ही जहरीले, उतने ही कड़वे हैं। कहते हैं कि भाई आप किसी पर भी भरोसा कर लो, लेकिन मुंह के मीठे लोगों पर आप कभी भी भरोसा मत करो। मुंह के मीठे लोगों से बेहतर तो वो लोग हैं जो मुंह पर गुस्सा जाहिर करते हैं, एटलीस्ट उनका ये तो है कि जो दिल में है वो बाहर है। तो वैसी मुझे एनर्जी दिख रही है। बेसिकली यहाँ पे ना आप दोनों के रिश्ते में षड्यंत्र खेले गए हैं, किसी ने जानबूझकर इस रिश्ते को डिस्ट्रॉय करा, या अगर इस रिश्ते में टॉक्सिसिटी आई है ना तो उसके पीछे कोई और है, स्पेशली वो पर्सन है जो मुंह का बहुत मीठा है या मीठी है, जो आपसे डेफिनेटली ऐसे ही
बोलते हो या आपके पर्सन से ऐसे ही बोलते हो जैसे इनसे ज्यादा सगा अपना कोई और इनका नहीं होगा, और उसी ने इस रिश्ते को यहाँ पे डिस्ट्रॉय करा है, जिसे आपके पर्सन भी जानते हैं, समझ रहे हैं, उस वक्त पे नहीं जान रहे थे लेकिन इस वक्त में इनकी समझने की एनर्जी है। लेकिन ये पर्सन अब एक ऐसी सिचुएशन, ऐसे हालातों में है जहाँ पर अब ये समझ कर भी कुछ कह नहीं पा रहे, आवाज नहीं उठा पा रहे, कुछ भी संभाल नहीं पा रहे, जिसके चलते सिर्फ और सिर्फ इन्हें यहाँ पर खामोश रहना पड़ रहा है, अपने इमोशंस पर ही इन्हें काबू करना पड़ रहा है। कहीं ना कहीं एक अपने आप को चुप रखने के पीछे का मकसद आपके पर्सन का ये भी बन रहा है, जैसे चुप रखकर अपने आप को एक नई जिंदगी, एक नई डायरेक्शन की तरफ ये लेकर जाना चाहते हैं। पहले यहाँ पर इन्होंने कहीं ना कहीं चीजें शेयर करके, ढोल टपाका बजाकर सभी चीजें करी, जैसे कहते हैं ना हल्ला काटकर इन्होंने सबको बता बता कर इन्होंने सभी चीजें करी। लेकिन अब एक ऐसी स्थिति में है जहाँ पर बिना किसी को बताए अपनी जिंदगी में एक नई जिंदगी को ये अट्रैक्ट कर रहे हैं। यहाँ पर ना काफी लोगों में कुछ ऐसी महिलाएं हैं जो काफी ज्यादा ट्रिकरी हैं, जो कहीं ना कहीं काफी मैन्युपुलेटिव हैं, डिप्लोमेटिक हैं, अपने बारे में पहले और बाद में तो किसी की सोचनी नहीं है, उस तरह की महिला है यहाँ पे, जिन्होंने यहाँ पर बहुत सारी चलाकियां बिखेरी। हो सकता है इन्हीं महिलाओं ने आपका मैसेज इन तक गलत तरीके से कन्वे करा हो, आपने कुछ कहा हो और इन्होंने कुछ और ही यहाँ पे कन्वे करा हो। अब ये महिलाएं कोई भी हो सकती हैं, लेकिन काफी हैं जिनके साथ आपके पसंद का उठना बैठना है, पार्टीज वगैरह भी शायद करते हैं, या तो काफी सारे जश्न भी इन्होंने इनके साथ मनाए हो। उसके अलग यहाँ पर कोई ऐसा भी पर्सन है जो खुद हार्ड वर्क पर बिलीव नहीं करता या करती, खुद कहीं ना कहीं अपने आप से एफर्ट्स नहीं डालता या डालती, लेकिन आपके पर्सन के ऊपर एज अ जिम्मेदारी, एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी डालकर उनसे जरूर से यहाँ पर हार्ड वर्क कराए जाते हैं। तो बेसिकली देखो एक चीज यहाँ पर समझने की है व्यूअर्स कि यहाँ पे बहुत सारे लोग थे जो इस रिश्ते को पसंद नहीं कर रहे थे, उसके पीछे का कारण था, और आपका ऑरा, आपकी एनर्जी जो थी ना वो कहीं ना कहीं इनको हाईलाइट कर सकती थी, इनको सामने लेकर आ सकती थी। आप क्रिएटर थे, आप एक स्पिरिचुअल सोल हो, या फिर आपका जो ऑरा है वो ऐसा है जो काफी पॉजिटिव है, जो अपने आसपास की नेगेटिव एनर्जी को भस्म कर सकता है, खत्म कर सकता है, उसे पहचान सकता है, उसे हाईलाइट कर सकता है। तो ऑब्वियसली आपको तो यहाँ से कट करना इंपॉर्टेंट बन गया था, जिसे भी आपके पर्सन अब अपने आज में समझ रहे हैं कि आपका ऑरा क्या था, आप इनकी जिंदगी को नए सिरे से क्रिएट कर रहे थे, आप कहीं ना कहीं मीडिएटर थे उस यूनिवर्स, उस डिवाइन के, जो इनकी जिंदगी में ट्रांसफॉर्म लेकर आ सकते थे, और आपको इसीलिए लाया गया इनकी जिंदगी में। ठीक है, आप क्यों सफर कर रहे हो? क्योंकि कहीं ना कहीं आप उस किस्म के इंसान हो, जैसे कहते हैं ना दूसरों के कर्माज भी आप अपने ऊपर लेकर, दूसरों की प्रॉब्लम्स भी आप अपने ऊपर लेकर उनको मुक्त करते हो, तो इसीलिए आप यहाँ पर तकलीफ में भी हो। तो इन सभी चीजों को आपके पर्सन समझ तो रहे हैं लेकिन कुछ कर नहीं पा रहे, इसी कारण वर्ष ये पर्सन अपनी फीलिंग को अपने आप तक ही सीमित रख रहे हैं, इनका जोर नहीं पड़ रहा अब किसी भी चीज पर, इनकी पॉलिटिक्स पर, इनके जुआ खेल पर, इनकी मैन्युपुलेशन पर, डिप्लोमेटिक होने पर, यानी कि ये लड़ नहीं पा रहे हैं। पहले तो ये समझ भी नहीं पा रहे थे लेकिन अब ये लड़ नहीं पा रहे हैं, तो वो स्थिति मुझे इनकी दिख रही है। ठीक है, रिश्ते में ट्रांसफॉर्मेशन आना था या इनकी जिंदगी में ट्रांसफॉर्मेशन आना था, लेकिन वो अलग तरीके से आना था, लेकिन उसका बहाव यहाँ पर अलग तरीके से करा गया है, तो वो चीजें यहाँ पर हैं। हो सकता है ये जिन भी लोगों की बात करी जा रही है इन्हें भी जुआ खेलने की आदत हो, या फिर आपके पर्सन को इन्होंने जुआ खेलने तक की आदत यहाँ पर डलवा दी हो, तो उसके भी यहाँ पर चांसेस बन रहे हैं। कुछ लोगों के केस में ही होगा, मैं सभी लोगों के लिए नहीं बोल रही, और इवन ये चीजें भी है कि भाई सभी बात सभी लोगों से रिलेट भी नहीं कर सकती है। आप एक ऐसी सोलो जो बिना मतलब के देना जानते हो, या बिना मतलब के आपने सब कुछ दिया है, करा है इस रिश्ते में, तो स्पेशली जैसे ये पर्सन समझ पा रहे हैं। चलिए ये देखते हैं समझ के साथ ये पर्सन अब कैसा महसूस कर रहे हैं। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन, प्लीज आर्कएंजल्स, प्लीज होली एंजल्स, प्लीज स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए, बताइए समझ के साथ व्यूअर्स के पर्सन अब कैसा महसूस कर रहे हैं। स्पिरिट गाइड डिवाइन, मुझे गाइड कीजिए, बताइए व्यूअर्स के पर्सन अब इस समझ के साथ कैसा फील कर रहे हैं।
पॉलिटिक्स को लेकर व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स क्या बनी हुई है करंट में, स्प्रेड गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए। फोर ऑफ वैट्स, देखिएगा व्यूअर्स मुझे ना ये चांसेस दिख रहे हैं कि इन लोगों ने पॉलिटिक्स खेल कर ही आप दोनों के इस रिश्ते को खत्म करा। चाहे तो आप कमिटेड थे या कमिटमेंट चाहते थे या कमिटमेंट होते होते रुक गया, ठहर गया, तो ये पर्सन डीप इनसाइड इस चीज को समझ रहे हैं कि कैसे इनकी जिंदगी में ये तूफान आया और किस जगह पर इस तूफान का इम्पैक्ट सबसे ज्यादा पड़ा। उस चीज को ये पर्सन काफी ज्यादा इस पल में कैलकुलेट कर रहे हैं, जिसमें ये पर्सन एक नई शुरुआत, एक नई जिंदगी फिर से लेकर आने की कोशिश में काफी ज्यादा लगे हुए हैं। मुझे यहाँ पर ये चांसेस दिख रहा है थोड़ा सा इमोशनली वे में इन्हें ब्लैकमेल करा गया, परिवार का या अपने करे हुए का हवाला इन्हें दिया गया कि हमने तुम्हारे लिए ये करा, बारी तुम्हारी है। लेकिन इन सभी चीजों में क्या क्या तबाह हुआ, क्या क्या इनसे छूटा, उन सभी चीजों को बैठ कर ये पर्सन कैलकुलेट कर रहे हैं, क्योंकि ये पर्सन चाहते हैं फिर से वही चीज, वही रिश्ता, वही कमिटमेंट अपनी जिंदगी में लेकर आना। लेकिन आप भी समझिएगा व्यूअर्स, थोड़ा सा ये चीजें ना इतनी आसान नहीं है जितनी दिख रही है या जितनी बताई जा रही है, क्योंकि यहाँ पर लोग काफी हैं, पॉलिटिक्स खेलने वाले एक्सपीरियंस लोग काफी हैं। देखिएगा यहाँ पर भी बॉटम की एनर्जी काफी लोग हैं जो इस रिश्ते के अगेंस्ट हैं। तो यहाँ पर आपके पर्सन समझ रहे हैं, जिसमें नई जिंदगी चाहते तो है, लेकिन इन्हें भी ये चीजें समझ में आ रही है कि इनके लिए ये रास्ता, ये सफर इतना आसान नहीं है, और इसी रीजन की वजह से ये पर्सन इन सभी चीजों को बजाय एक्सप्रेस करने के अपने अंदर ही सभी चीजें रख रहे हैं। गाइड कीजिए, बताइए व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स और क्या बनी हुई है, स्प्रिट गाइड माइंड मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं। सेवन ऑफ कप्स, देखो आपके पर्सन की इवन ये भी एनर्जीज है कि समझ गए हैं क्या भ्रम है क्या सच है। कहीं ना कहीं इन लोगों को जो भ्रम थे उनके पीछे ये पर्सन भागे, उनमें इन्होंने अपनी खुशियां, सेलिब्रेशन, ये सब चीजें देखी, लेकिन जैसे जैसे इस इंसान का वो भ्रम टूट रहा है, ये उस बहुत गहरी नींद से जागता हुआ फील कर रहे हैं जिसमें इन्हें सुला दिया गया था, उस ख्वाब के साथ, उस ऑप्शन के साथ जो एक्चुअली में एग्जिस्ट करते ही नहीं थे। तो आपके पर्सन इवन ये चीजें भी समझ रहे हैं कि कितनी चालाकी से, कितनी समझदारी से, कितने बड़े मैन्युपुलेशन में इन्हें फंसाया गया, जिसके चलते ये भ्रम को आज तक सच मानकर आपसे दूर चलते चले गए, आपसे दूर होते चले गए। वो एहसास, वो फीलिंग आपके पर्सन की यहाँ पर बनी हुई है व्यूअर्स। गैम्बलर को लेकर व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स, सिक्स ऑफ वैंड्स। देखो आपके पर्सन अभी तक तो इस भ्रम में रहे कि कुछ भी हो इन्हें जीत मिल रही है, कुछ भी हो लोग इनका साथ दे रहे हैं, कुछ भी हो लोग या इनके परिवार वाले इनका पीछा कर रहे हैं, इन्हें फॉलो कर रहे हैं, इन्हें उस जगह पर इन्होंने बिठा दिया जहाँ पर हर कोई नहीं बिठा सकता। लेकिन अब आपके पर्सन इस चीज की असलियत समझ रहे हैं, इस चीज की तह तक ये पर्सन जा रहे हैं कि इन लोगों ने अल्टीमेटली आपके पर्सन को एक लीडरशिप का टैग दे रखा है, लेकिन जो चीजें हैं वो उनके मुताबिक हो रही हैं। आपके पर्सन के ऊपर तो सिर्फ बंदूक रखकर अपना फायदा और नुकसान देखा जा रहा है। इन सभी चीजों के चलते आपके पर्सन ने अपनी जिंदगी के साथ जुआ खेला, इन लोगों ने आपके पर्सन के साथ और आपके पर्सन ने अपनी खुद की जिंदगी के साथ जुआ खेला, वो सभी चीजें अब आपके पर्सन को इस पल में काफी ज्यादा बर्डन दे रही हैं। तो बेसिकली यहाँ पर ये चीजें, जो चीजें आप अपने पर्सन को समझाना चाह रहे थे, वो चीजें इन्हें समझ में आ तो रही हैं, लेकिन ये समझ कर भी ना समझ इसीलिए बन रहे हैं क्योंकि ऐसे स्टेट ऑफ माइंड में इन्हें पहुंचाया गया है कि इनके बस की अब कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, नाइन ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पर यही चीजें सोच सोच कर ओवर में ये पर्सन काफी ज्यादा स्ट्रेस या काफी ज्यादा एंजाइटी तक ले रहे हैं, यानी कि यहाँ पर इन सभी चीजों को सोचकर आपके पर्सन को नींद तक नहीं आ रही है। इन सभी चीजों को सोचकर एक ऐसी स्थिति में भी पा रहे हैं कि आपको क्या मुंह दिखाएंगे, आपका कैसे सामना करेंगे, आपकी आंखों में देखकर आपसे क्या बात करेंगे, आप इनकी जिंदगी को
सुधारना चाहते थे, नए सिरे से क्रिएट करना चाहते थे और ये आप ही के ऊपर आरोप लगाते रहे। ये सभी चीजें इस इंसान को व्यूअर्स सोने भी नहीं दे रही और आपके सामने आने भी नहीं दे रही, आपसे कुछ कहने भी नहीं दे रही है। तो यहाँ पर ना बेसिकली इनके ना कुछ कहने के पीछे का कारण यही बन रहा है। आपको तो लग रहा है इतना एहसास है तो क्यों नहीं बोल रहे, क्या वजह है, लेकिन आप ये समझिएगा ये पर्सन उस स्थिति में पहुंच गए हैं जहाँ पर कुछ कहने सुनने लायक भी अब अपने आप को नहीं पा रहे हैं। मीडिएटर को लेकर मेरे व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स को बताइए। स्प्रेड गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए मीडिएटर को लेकर व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग। बेसिकली देखो फीलिंग इनकी इस वक्त की ऐसी है जैसे बहुत ज्यादा निराशावादी हो रहे हैं, सब कुछ खत्म होते हुए, बर्बाद होते हुए, हाथ से छूटते हुए इन्हें ज्यादा फील हो रहा है। इसी कारणवश देखो आपके पर्सन यहाँ पर ना कुछ कर नहीं रहे हैं, क्योंकि एक होता है ना इंसान ने अपनी खुद की साइकोलॉजी ऐसी बना ली है कि अब कुछ नहीं हो सकता, सब कुछ खो बैठे, सब कुछ गवा बैठे। तो ऐसे स्टेट ऑफ माइंड में इस इंसान ने क्योंकि अपने आप को पहुंचा रखा है, इसी रीजन के चलते यहाँ कुछ बदल नहीं पा रहा है या आपको कुछ बदलता हुआ नहीं नजर आ रहा। जब इंसान अपने आप से ही गिव अप कर देता है ना तो ज्यादा प्रॉब्लम होती है, तो वही प्रॉब्लम मुझे यहाँ पर दिख रही है। चलिए मैं देख रही हूँ वैसे आपके पर्सन आपसे कहने की क्या इच्छा रख रहे हैं। गाइड कीजिए यूनिवर्स प्लीज, डिवाइन प्लीज, आर्कएंजल्स प्लीज, होली एंजल्स प्लीज, स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिए, व्यूअर्स के पर्सन के मैसेजेस दीजिए डिवाइन। आई केयर अबाउट वॉट पीपल थिंक ऑफ अस। अब आपसे कहना चाह रहे हैं ना कि अब इन्हें परवाह हो रही है कि लोग हमारे बारे में, हमसे जुड़े हुए रिश्ते के बारे में या इवन आपके बारे में क्या कह रहे हैं, उन सभी चीज़ों की परवाह हो रही है। जबकि एक वक्त पे ये पर्सन उन्हीं लोगों में शामिल होकर वही बात कर रहे थे। तो अब ये कहना चाह रहे हैं आई वॉन्ट टू होल्ड यू, अब कहना चाह रहे हैं आपको होल्ड करे रखना चाहते हैं, यानी कि अब आपको जाने नहीं देना चाहते ये। I have told my friends about you. अब even आपके बारे में अपने आप से अपनी बात ये रख रहे हैं, भले आपसे नहीं रख रहे लेकिन उनके सामने जरूर से रख रहे हैं। लेकिन I hope I have not लॉस्ट यू, अपने आप से जितना ज्यादा ये लग रहा है कि इन्होंने आपको खो दिया, उस चीज से उतना ही अपनी उम्मीदें बटोरने की कोशिश कर रहे हैं। आई डोंट डिजायर एनीवन द वे आई डिजायर यू, कहना चाह रहे हैं अब इतनी ज्यादा किसी और को पाने की इच्छा नहीं उठ रही जितनी की तुम्हें पाने की इच्छा मुझे उठ रही है। तो ये भी ये पर्सन आपसे कहने की इच्छा रख रहे हैं। चलिए देखते हैं इस रिश्ते में क्या होना है, इस रिश्ते के फ्यूचर को ही देख लेते हैं क्योंकि मुझे एक्शन आने की तो अभी कोई पॉसिबिलिटीज इस रीडिंग के अकॉर्डिंग नहीं दिख रही है। गाइड कीजिए भाई इस रिश्ते में अब आगे क्या होगा। हीलिंग फैमिली इश्यूज, फॉरगिविंग एंड लर्निंग, यू डिजर्व लव, सोलमेट। देखो आपसे यहाँ पे बोला जा रहा है कि फैमिली को लेकर ये जो भी इश्यूज चल रहे हैं, जिसने सारा रायता फैला रखा है, वो इश्यूज डेफिनेटली यहाँ पे हील होंगे। यहाँ पे एक दूसरे को माफ भी करा जाएगा, एक दूसरे से माफी भी मांगी जाएगी और अल्टीमेटली सिचुएशन से बहुत कुछ सीखा भी जाएगा, क्योंकि आप प्यार डिजर्व करते हो। आपकी सोल में यहाँ पे कोई वो नहीं है, आपकी प्योर सोल है और इस रीजन की वजह से आप प्यार डिजर्व करते हो, तो आपके हिस्से प्यार जरूर से आएगा। आपकी डेस्टिनी में आपका सोलमेट लिखा है और यहाँ पर ये भी बोला जा रहा है यस दिस इज योर सोलमेट, आप इनसे इसीलिए जुड़े हो, इन तक इसीलिए पहुंचे हो क्योंकि आप इनके सोलमेट हो और इसी कारणवश यहाँ पर एफर्ट्स आएंगे तो जरूर, लेकिन आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा क्योंकि आपकी जर्नी इनसे ही है, इन पर ही खत्म है, इन्हीं से शुरू है, तो ऐसा आपसे बोला जा रहा है। ठीक है व्यूअर्स, गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स कब तक की पॉसिबिलिटीज है, किस वे में पॉसिबिलिटीज है, स्प्रेड गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए कब तक की पॉसिबिलिटीज, किस वे में पॉसिबिलिटीज है। देखो आपके पर्सन की जिंदगी में ये जो फैमिली इश्यूज, फैमिली ड्रामा चल रहा है, ये पॉलिटिक्स चल रही है, गैम्बलर चल रहा है, तो ये आपके पर्सन के कार्मिक है। भले आपके पार्टनर आपके सोलमेट हैं, लेकिन आपकी जो सोल पार्टनर है, ये सोलमेट है ना, इनके अपने कार्मिक अकाउंट हैं जो इन्हें एज अ फैमिली मिले हैं, जो जिनका क्लींस होना इम्पॉर्टेंट है और इनके क्लींस होते ही यहाँ पर आपके पर्सन और आपका मिलना
तय है। तो ये चीजें बोली जा रही हैं तकरीबन यहाँ पर 6 वीक्स की, या फिर आप ये समझ लीजिए जून मंथ के एंडिंग तक की पॉसिबिलिटीज बन रही हैं कुछ लोगों के केस में तो स्पेशली। ठीक है, ये फैमिली से रिलेटेड जो भी इश्यूज चल रहे हैं वो रिजॉल्व होंगे, माफी मांगी और दी जाएगी। ठीक है, तो काफी अच्छी रीडिंग रही है, आई होप आप कनेक्ट कर पाए हो अपने आप को इस रीडिंग से। अगर आप कनेक्ट कर पाए लेकिन स्टिल आप अभी तक लाइक क्लेम एंड ग्रेटिट्यूड नहीं कर पाए तो आप कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी चैनल पर नई रीडिंग आए तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास जरूर से पहुंचे। उसके अलग अगर आप मेंबरशिप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप जरूर से कर सकते हैं व्यूअर्स, जिसमें यहाँ पर जैसे कलेक्टिव्स के लिए एनर्जी पिक करके आपको रीडिंग दी जा रही है, वहां पे सिर्फ मेंबर्स की, जो भी मेरे मेंबर्स हैं उनकी एनर्जीज को पिक करके यहाँ पर रीडिंग आपको दी जाएगी। तो अगर आप करना चाहते हैं तो आप जरूर से मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं, 29 रुपीज से शुरू है पर मंथ। ठीक है, उसके अलग और भी हैं यहाँ पे, जैसे फैमिली मेंबर्स के जो चार्ज है वो 29 रुपीज है, गोल्ड मेंबर्स का चार्ज यहाँ पर अलग है, वो जाकर आप चेक कर लीजिएगा और आपको उसके बेस पर रीडिंग मिल जाएगी। आज के लिए बस इतना ही, मिलती हूँ मैं आप सभी लोगों से व्यूअर्स नेक्स्ट रीडिंग में। ओके, बाय बाय।